सो हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो इंदौर जू ने एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, पक्षी विहार या बर्ड एवियरी। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे जानवर है, पर यहाँ की बहुत बड़ी स्पेशलिटी है पक्षी विहार, जो पीछे आप देख रहे हैं बर्ड एवियरी। एवियन मतलब बर्ड होते हैं, आप जानते हैं। और देखिए एंट्री पे वो ऐसे वो क्या कहते हैं, वो लोहे की चेन जैसी, ताकि पक्षी बाहर ना निकले। आवाज़ें भी आ रही होंगी आपको, तो बहुत स्पेशल फीचर है इंदौर जू का। ये कैसा है अंदर जाके देखते हैं। और ये हम बर्ड्स के लिए घुस रहे हैं अंदर। ये देखिए कितने हैवी से यहाँ पे पूरे चेन्स लगे, ताकि पक्षी उड़े नहीं। और ये रहा पूरा वो एरिया। आवाज़ तो बहुत आ रही है, पक्षी कहीं दिख रहे हैं क्या? हाँ ये रहा, देखिए बहुत सारे हैं। कुछ तोते ऐसा दिख रहा है, मल्टी कलर। ये ऊपर भी देखिए बहुत सारे, अरे चारों तरफ पक्षी पक्षी हैं। ये देखिए ऊपर बैठा हुआ है एक, उधर कुछ दिख रहा है क्या? ये है कोई, ये तो मुर्गी ऐसा दिख रहा है, एग्जॉटिक मुर्गी। यहाँ पे प्यारे देखिए, यहाँ पे कितने सारे हैं, देखिए यहाँ पे, ये देखिए बहुत सारे, ये देखिए ऊपर। और देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए कितनी मल्टी कलर बर्ड्स हैं। ये देखिए सिर्फ बैठी नहीं, उड़ती भी जा रही है। और यहाँ पे कुछ, हाँ ये देखिए कितना बड़ा है, ग्रीन कलर का। ये देखिए, अरे तो ईगल जैसा कुछ लग रहा है, दिखा आपको? बिल्कुल देखिए, हाँ ये रहा, ये देखिए बिल्कुल कैमोफ्लेज जैसा कर रहा है, ग्रीन पे ग्रीन। ये देखिए, ये देखिए, अरे 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 ये क्या कर रहा है, पोज दे रहा है लगता है। ये कितना बढ़िया पोज दे रहा है, पर ये बहुत खतरनाक सा भी लग रहा है, खतरनाक सा भी लग रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया व्यू है। और ऊपर जैसे कि हम देख रहे थे कि ये लोग बेचारी बाहर जाना चाह रही हैं ऊपर, बट ऑब्वियसली पूरा कवर्ड है यहाँ पे। अरे तो उल्टी उल्टी हो गई सारी। और ये देखिए कितने फाइन शेड्स, लाइनिंग जैसे हैं पूरे उसके, मैंगोज जैसी बर्ड है वो। हाँ ऊपर ये देखिए, ये मैंगोज जैसी बर्ड है पूरी, ये वाले। और ये तो मुझे इसके शेड्स बहुत अच्छे लगे, बिल्कुल ग्रे। इनको सैलेड्स दे रहे हैं, हाँ टमाटर खीरा सब इनको, ठीक खाना ठीक से अच्छे तरह के दिया जा रहा है इन लोगों को। बहुत ही बढ़िया बर्ड लगी मुझे ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत बहुत बढ़िया और यूनिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे नॉर्मल बर्ड नहीं मिलेंगे आपको, सारे एग्जॉटिक टाइप की, जैसे सिंगापुर वगैरह में जू में आपने कभी देखी हो तो देखिए, जैसे ये देखिए बिल्कुल इतने यूनिक से कलर है यहाँ पे कि हमने तो कभी ऐसे नॉर्मल बर्ड देखे नहीं है। इतने फाइन कलर्स देखिए, ग्रीन रेड और बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन। और ये तो तब से बैठी है। तो मैं सर है, सर अपना नाम बता दीजिए। गौरव राव है। तो सर पूरे यहाँ पे मेंटेन करते हैं, यहाँ के इंचार्ज हैं, तो थोड़ा बात करना चाह रहा है सर, मतलब कितने टाइप की बर्ड्स हैं और कुछ और जानकारी आप यहाँ के बारे में दे पाए।
सर ये जो आप सेटअप देख रहे हैं इसको ओपन बर्ड एवी बोलते हैं। तो इसको बनाने का मोटिव ये है कि आप इसके अंदर बर्ड्स को ओपन में देख पाएँ, और ऑल दो सारे जो बर्ड्स हैं यहाँ पे एग्जॉटिक बर्ड्स हैं, तो आप इनको करीब से देख सकते हैं। और ये सब ये देखेंगे आप कि आप इनको बहुत पास से देख सकते हैं। इसमें मोस्टली पैरट्स हैं, पैरट्स के अलावा हमारे पास फिंचर्स हैं, डव्स हैं और फीजेंट्स वगैरह भी हैं। तो यहाँ टोटल अभी 30 स्पीशीज के 480 बर्ड्स हैं रिकॉर्डिंग। तो इसमें मोस्टली पैरट हैं। तो अभी जैसे मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं, ये गाला कॉकटू है, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। आपको सबके नाम भी पता होंगे ना, बहुत सारे ज़्यादा वैरायटी होंगी यहाँ पे। 30 स्पीशीज है सर, 480 बर्ड्स हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, जो वहाँ पे ग्रीन दिख रहे हैं आपको, जी लेटेस्ट पैरट है। ये जो आप देख रहे हैं ये वन ऑफ द बिगेस्ट पैरट है, इनको ब्लू एंड गोल्ड मकाउस बोलते हैं। ये बोल्ड फीमेल्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कौन सी कंट्री से आते हैं? ये साउथ अमेरिका से आते हैं सर, पेरू, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पूरी इंटरनेशनल वैरायटी यहाँ पे दी गई है। ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और ये साउथ अमेरिका से हैं, और अफ्रीकन बर्ड्स भी हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया से। फिर हमारे पास काकाटील्स हैं, आपने नीचे कॉकटूस देखे होंगे, मॉन्ग पैराकीट्स हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से ये बहुत नॉटी है, उनको भी आना नहीं है, उनको बहुत अच्छा लगता है नीचे खेलना, वो चीज़ों से खेलते हैं। वो उनके शूज ये सारी सेफ होते, मतलब कोई ऐसे हार्मफुल बर्ड्स नहीं? मोस्टली बर्ड्स का टेंट भी हुए हैं, तो अच्छा अच्छा इधर कोई ऐसे कुछ हार्म नहीं रहता आपको। बट हमारी ये पॉलिसी है कि हम आपको हाथ लगाने का थोड़ा सा मना करते हैं, जी, कि आप बर्ड्स का मूड क्या रहता है ये वगैरह। तो मेरे पैरों पे तो वो सिर्फ आपके शूज़ के साथ प्ले कर रहा है, क्योंकि उसको एक्साइटिंग कलर्स लग रहे हैं, वो देख रहा है क्या है आपका। बाय द वे इसका नाम फ्लैश है, फ्लैश ये हमारे सबसे शैतान बच्चों में से है। हमारे यहाँ मिक्स स्पीशीज़ है, तो हमारे यहाँ पे आप देखेंगे बजरीगर से लेके मकाउस तक है, और सभी हारमोनी में है। तो हमने इस तरह के प्रोटोकॉल सेट किए हैं और बनाए हैं कि सभी बर्ड्स को सब बर्ड्स आपस में हारमोनी में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं है उनमें। सो रहे हैं? हाँ, वो एक पैर ऊपर कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये प्रे बर्ड है, मतलब इनको हमेशा शिकार होने का डर होता है, तो ये कच्ची नींद सोते हैं। हाँ, वहाँ कोई देखता रहेगा बीच में।